दी बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा समिति खारसी की प्रबंधन कमेटी द्वारा कथित नियमों को दरकिनार सभा के 16 सदस्यों की सदस्यता चहेतों के नाम स्थानांतरित करने के विरोध में सभा के सदस्यों ने डीसी बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर सभा की मौजूदा प्रबंधन समिति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा प्रबंधक कमेटी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में रामपाल गोपाल दत्त वासुदेव राम ऋतु कांसीराम धनीराम रोशनलाल बुद्धि सिंह कुलदीप जयपाल सहित करीब 33 लोगों ने कहा है कि सभा की चुनाव प्रक्रिया 19 मार्च 2020 को शुरू हुई और सभा की प्रबंधक कमेटी ने 16 सदस्यताएं अपने चहेतों के नाम कर दी जबकि इसकी कोई सूचना संबंधित सदस्यों को नहीं दी। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई और आपत्तियों पर चुनाव नहीं हो सका। अब उसके चुनाव सितंबर में करवाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि सभा के प्रबंधक कमेटी के निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभा की मौजूदा प्रबंधक कमेटी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और प्रशासक नियुक्त कर चुनाव करवाए जाएं। ज्ञापन में सदस्यता हस्तांतरण करने के लिए सभा के प्रबंधक कमेटी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। सभा सदस्यों ने संबंधित ज्ञापन को सहकारी सभाएं बिलासपुर के सहायक पंजीयक को भी दिया। हम सभी उपस्थित दी बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित सहकारी सभा के सदस्य हैं। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को अपनी एक शिकायत पत्र दिया है। प्रबंधक कमेटी ने 5 साल से जिस तरह से अपने चहेतों को पाला पोसा है उसका जो विवरण है वो हमने दिया है। उसमें हमारा जो मेंबरशिप है 19 लोगों की मेंबरशिप है, इन्होंने अपने भाई भतीजों को दे दी। प्रधान ने अपनी माँ के नाम से मेंबरशिप कर दी, उनका एक मित्र उसके नाम से कर दी, एक और मित्र के नाम घाटपुर पंचायत में कर दी। इसी तरह से महासचिव ने अपने भतीजों के नाम से मेंबरशिप कर दी जिनके भागदन शून्य थे, जो 2014-15 में अपना भागदन ले चुके थे, उन संख्या को उस सदस्यता संख्या को अपने चहेतों के नाम कर दिया। ये बड़ी अजीब बात है, कोई भी खाता नॉमिनी के अलावा किसी और को नहीं जाता है। अगर वो अकाउंट क्लोज होता है, क्लोज अकाउंट भी किसी को नहीं जाता। सेम सेम सेम। और उन्होंने अपने भतीजों के नाम करके एक चालाकी करने की कोशिश की जो हम चलने नहीं देंगे। जनरल हाउस में किसी भी जनरल हाउस में किसी भी प्रकार का नई सदस्यता बारे कोई मुद्दा नहीं था, स्थानांतरण का मुद्दा था। स्थानांतरण में सबसे पहले प्रबंधक कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि जो तहसीलदार साहब के सामने अपना एफिडेविट देगा उसी की सदस्यता स्थानांतरण की जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो सदस्यता स्थानांतरण की गई उनके एफिडेविट कहाँ है, उनके कागजात कहाँ हैं, उन्होंने अभी तक कोई कागजात ऑफिस में जमा नहीं कराए। ऑफिस सचिव से जब हम पूछते हैं कि भैया ये कागज दिखाओ, ये रसीदे दिखाओ, तो वो बोलता है सारी रसीदे महासचिव दौलत सिंह के पास है। दौलत सिंह के पूछा जाता है, वो बोलता है ऑफिस सेक्रेटरी के पास ये रिकॉर्ड होता है, मेरे पास नहीं होता है। हम बहुत मुश्किल में हैं। 19 लोगों को सदस्यता देना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। कम से कम 9 लोगों के भागदंड किसी और के नाम करना यह भी बहुत बड़ा अपराध है। हम सभी उन सब लोगों के साथ हैं जिनका भागदंड वहां सुरक्षित है। 4 सालों की ऑडिट रिपोर्ट में वो सब मेंबर थे, 2018-19 की ऑडिट में वो मेंबर हैं, लेकिन 19-20 की ऑडिट में 19-20 के साथ 19 मार्च 2020 को उनकी सदस्यता कहाँ गई इसका अभी तक ज्ञान नहीं हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि इस प्रबंधक कमेटी को बर्खास्त किया जाए और इस गड़बड़ घोटाला जो हुआ है सदस्यता का इसकी पुरजोर जांच की जाए। इसके अलावा जब इसकी जांच की जाएगी तो बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे खर्चे इसके प्रबंधक कमेटी ने जो अनायास किए हुए हैं वो सारे निकलेंगे, बशर्ते कि एक निष्पक्ष अधिकारी उसकी जांच करें।